क्या बोल रहा है दूसरा कहाँ गया करके देख ले कोई हे गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शिकारी ब्लॉगर 02। सो गाइस कैसे हो आप सब, होप आप सब ठीक होंगे। सो गाइस आज की राइड होने वाली है बहुत ही कमाल की, क्योंकि गाइस आज हमारे साथ है एक आरसी और एक ड्यूक 200। आरसी पता नहीं कौन सी है, 200 आई थिंक, तो देखते हैं आज। बस मैं जा रहा हूँ, आगे मेरा फ्रेंड वेट कर रहा है ड्यूक पे। मेरा दोस्त बोल रहा था यहाँ पर नाका लगा हुआ है, बट यहाँ पर नाका तो नहीं है। सो गाइस आरसी 200 वाले विशाल भाई हमसे बहुत ही ज़्यादा आगे निकल चुके हैं। सो गाइस अभी ड्यूक 200 वाले हर्ष भाई की कॉल आई थी और उन्होंने बोला कि एक बंदे को पिकअप करना है, उसको पिकअप कर लेना। ओहो छपरी राइडर, वाह अलग ही तरीके से जा रहा है। दुनिया भर के रोड बढ़ जाएंगे पर हमारे यहाँ ये रोड नहीं बनेगा भाई। और इधर स्टूडेंट्स के रिएक्शन मिलते हुए पास और ठीक हो। सो गाइस मैंने पिकअप कर लिया जिसके बारे में हर्ष भाई ने बोला था, तो भाई को आगे हर्ष भाई के साथ यहाँ आरसी वाले विशाल भाई के साथ बिठा लेंगे। और हमें आरसी 200 वाला बंदा मिल चुका है और ये है आरसी 200 वाला, और आगे से हम करेंगे अपने फ्रेंड को पिकअप ड्यूक 200 वाले को। और ये रहा ड्यूक 200 वाला। और भाई क्या हाल है? बस और ठीक हो, आओ चलें, चलो। और आज की राइड बहुत ही क्रेजी होने वाली है, वीडियो पे बने रहें। मैंने जिसको पिकअप किया था उसको मैंने आरसी के पीछे बिठा लिया हुआ है, जैसे कि आप देख सकते हो। और इस रोड पे मेरा पहले एक्सीडेंट भी हुआ था, अगर आपने वो वीडियो मेरी अभी तक नहीं देखी हो, ऊपर आई बटन पे वीडियो आ रही होगी तो ज़रूर देख लेना। और ये विशाल भाई जा रहे हैं आरसी पे। यहाँ से हो जाएंगे टर्न, तो अभी हम सीधे रिंग रोड निकल जाएंगे इधर से गरोटे से होके। तो ये हर्ष भाई जा रहे हैं। सो गाइस आज मैंने राइडिंग गियर्स भी पूरे डाले हुए हैं जैसे कि आप देख सकते हो, और ये आरसी 200 वाला फुल धमाके के साथ। ओ हर्ष भाई गजब है। मैं पीछे रखूंगा भाई, पर आगे अगर मैं निकालूं पीछे से ऐसे आते हैं भाई। ऐसे हालात में इंसान को अपने जज्बातों को काबू में रख के अपने कदम पीछे हटा लेने चाहिए, वही बेहतर है भाई। इधर हमने सिर्फ अपनी बॉडी को बैलेंस करते हुए अच्छा सा लीन किया बाइक को। अगर लीन पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर देना। तो गाइस अगर 3-4 बंदे थोड़ी ख़तरनाक वाली राइडिंग कर रहे होते हैं तो आपका भी मन करता है कि मैं भी थोड़ा ख़तरनाक वाली राइडिंग करूं, क्योंकि फिर रहा नहीं जाता, उनको देख देख के खुद भी मन करने लगता है। और इस रोड पे जब भी आता हूं मैं, यहां पे जूते टच होते हैं मेरे नीचे। तो अभी हम यहां पे रिंग रोड पे निकल जाएंगे। ऊपर ख़त्म है रोड,
इधर खत्म है, इधर से आते हैं ना ऊपर से। चलो ठीक है। तो गाइस अभी हम रोड के एंड पे जाएंगे और घूम के आ जाएंगे, खींचते हैं थोड़ी बाइक को। तो ये रोड ज़्यादा तैयार नहीं हुआ, थोड़ा ही हुआ है, तो यहीं पक्के तैयार हुआ है। देखिए भाई लोग, तुम देख सकते हो कितना बड़ा गड्ढा है ये। अगर कोई बंदा इस गड्ढे पे पड़ गया ना तो बाइक से अलग ही आएगा वो बाहर। स्लो करने को बोल रहा था विशाल, क्योंकि विशाल ने गड्ढा देखा तो वो ऐसे हमेशा अपने राइडर को बोलें कि स्लो कर ले पीछे से ही। ये आपकी जिम्मेवारी होती है, अगर आप आगे हो तो बंदे को बोल दिया करो कि स्लो कर ले। आगे एंड है। तो गाइस अभी हम घूमते हुए जा रहे हैं वापिस रोड की तरफ। बंदा सीधी मार रहा। आगे क्या चलेगी? क्या हुआ? क्या बोल रहा है? दूसरा कहाँ गया? क्या हुआ? क्या वो कुणाल ब्रो, ये पागल हो गया पीछे, वहाँ पे स्पीड ब्रेकर था। बताओ एक चीज बताओ, स्पीड ब्रेकर वहाँ पे था तो मेरी बारी नहीं आया होगा? वो स्पीड ब्रेकर मैंने बाइक पे कर ली थी यार, वो तेरी गलती है। ड्रैग रेस कर ले, एक ड्रैग रेस कर लो, देख लो, कर ले भाई, वही करना पड़ेगा, देख लेते हैं। आ जा। अच्छा गजब ही सीन हो गया यहाँ पे भाई, तू मेरे पीछे बैठ जा, बैठ जा, ले पकड़ ले, आप दोनों कर लो, ध्यान से करना ठीक। हाँ एक सेकेंड। तो गाइस आज इन दोनों बाइक के ड्रैग रेस होने वाली है जैसे कि आप देख सकते हो, और ये RC 200 और ये ड्यूक 200। तो चलते हैं आज इनकी ड्रैग रेस करते हैं। इनके बीच में थोड़ी बहसबाजी हो रही थी कि वो बोल रहा था कि मेरी भागती है, वो बोल रहा मेरी भागती है, तो देखते हैं किसकी भागती है, थोड़ा राइडर पर भी डिपेंड होता है। तो चलिए इनकी रेस करते हैं शुरू, और मैं अपने R15 पे इनको रिकॉर्ड करता हूँ। चलो कर लो। भाग रही है यहाँ पे आप देख सकते हो, और हर्ष भाई यहाँ पे व्यू करके निकलते थे। हमारी 130 तक पहुँच चुकी है। आगे निकल रही है हर्ष भाई पीछे, और यहाँ पे RC जीत चुकी है। RC यहाँ पे ये ड्रैग रेस जीत चुकी है। भाई मैं क्या बोलूँ, आ गया मजा, आ गया तेरी ड्यूक आगे निकल गई थी भाई, भाई इसने ट्रक आया ना, ड्यूक आगे जाती है, जो जिसका ज्यादा पिकअप है वो ड्यूक। स्टार्टिंग में उसने ना पिकअप मतलब खींच लिया, फिर आगे से मैं इसको ओवरटेक किया, ओवरटेक करने के बाद ना इसने बाइक किया कि आगे एकदम से गाड़ी आ गई, इसने धीरे कर ली। हाँ। उसके बाद ये मेरे को कवर नहीं कर पाया। हाँ वो है, पीछे रह गया, नहीं तो अगर ये वहाँ नहीं रोकता तो फिर सही रहती। ऐसे ऐसे ड्यूक तो निकल गया ठीक ना। आगे ऑटो जा रहा था, उसी के साथ लेफ्ट साइड से बाइक आ रही थी, अगर मैं गलती से भी रोक देता या वो रोक देता तो हम दोनों ने साथ में बच जाना था। जरूरी थोड़ा था कि मैं एक्सीडेंट करवाता तो मेरी मतलब कि कोई अवार्ड मिल रहा होता है। तो स्टार्टिंग में आपकी बाइक ही आगे थी, कर रहे
स्टार्टिंग में बाइक आपकी आगे थी, पहले भी सीन हुआ था भाई ये, हम सिर्फ चिल के लिए मजा लेने के लिए कर रहे थे और सीन मतलब हुआ था हमारा सक्षम के साथ था, और उसकी वजह से हमारा एक्सीडेंट भी हुआ था, मैं और मेरा फ्रेंड अरुण थे। अच्छा अच्छा। हम इसी रोड पे आ रहे थे, रिंग रोड ही था, बस जैसे हम आ रहे थे उसी साइड से, तो उसने एकदम जैसे रॉन्ग साइड जा रहा था, उसको लेफ्ट साइड पे जाना चाहिए था अपनी राइट साइड पे, बट वो सीधे आया और मतलब जगदम से उसने बाइक रोकी वहाँ पे। अच्छा। हम स्पीड में थे और जैसे ही उसके साथ बजे तो हमारा एक्सीडेंट। अच्छा अच्छा। हाँ बता रहा था वो मेरे को भी बता रहा, कह रहा मेरे पैर टूट गए थे। जो भी है ड्रैग रेस तो बड़ी सेक्सी थी भाई। हाँ वो तो है, मजा आया, वो तो अलग चीज है कि ये पहले तो ये वाली बाइक ही आगे थी, मतलब कि पिकअप ये मतलब थोड़ा राइडर पे भी होता है ना कि मजा बहुत आया। कोई नहीं कोई बात नहीं भाई, ओके ब्रो मजा आया, करेंगे फिर से राइड, ओके चले अभी घर वाली साइड। भाई तेरे पास दो तीन क्लिप आ गए ऐसे जो सही लगेगा, ठीक है। अभी चलते हैं घर वापिस गाइस, इनकी यहाँ पे थोड़ी ड्रैग रेस लगी हुई थी तो अभी ड्रैग रेस करके चलते हैं घर वापस। चलो ब्रो चौथे गियर पे नहीं मानती यार R15 और आरती वाला यहाँ पे पूरा मूड में लग रहा है। पूरी हैं ओके